हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी राबिया। कैसे आप लोग? आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो में एक बहुत जबरदस्त सा विदाउट टाइम वेस्ट किए आप लोगों के साथ एक छोटा सा फेस पैक शेयर करने वाले हैं। इसके रिजल्ट इतने जबरदस्त है ना, 2 से 3 बार मैं अपने फेस पे अप्लाई किया है और फिर आप लोगों के साथ इस जबरदस्त सा फेस पैक लेकर आई हूँ, जो कि इतना जबरदस्त है, जो फुल फेशियल होते हैं ना, उससे भी अच्छे रिजल्ट देगा आपके। जस्ट एक बार आप स्किन पर लगाए और फिर देखिए इसके मैजिक, और आप भी हो जाएंगे मेरी तरह इस फेस पैक के दीवाने। तो आप लोगों ने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। हाँ जी, जो न्यू आए हैं मेरे चैनल पर, जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, उन सबको वेलकम बैक और अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप लोग भी मेरी फैमिली का, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भूलेगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाती है। तो आइए देखते हैं बहुत ही मैजिकल फेस मास्क या फेस पैक को प्रिपेयर कैसे करना है, जो भी आप इसको नाम देते हैं। बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही ईजी है। हर इंग्रीडियंट आपको इजीली घर पर मिलेगा। आपने वीडियो को किसी जगह से स्किप नहीं करना है। इसको यूज कैसे करना है, इसके क्या क्या फायदे हैं, सब कुछ मैं आपको वीडियो जब मैं प्रिपेयर करूंगी इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगी इसको अप्लाई कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, और कौन कौन से लोग इसको यूज कर सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, किसकी स्किन पर ये अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लोगों की पिगमेंटेशन है तब आपने इसको कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, जस्ट कीप वॉचिंग। आइए देखते हैं इसको प्रिपेयर कैसे करना है। इस फेस पैक को प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए एक बाउल, और उसमें हमें चाहिए 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे सिरिलेक यूज़ करें। सिरिलेक आपने गंदम वाला यूज़ करना है। अगर आप लोग बस सिरिलेक नहीं है तो इसका अल्टरनेट आप ओट्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून सिरिलेक यूज़ करें। सिरिलेक क्योंकि आपकी स्किन को वाइटनिंग के लिए और आपकी स्किन को सॉफ्टर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। देन इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून हम ग्राम फ्लोर, जो कि सदियों से चला आ रहा है, यानी कि बेसन आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, क्योंकि समर्स है, समर्स में खासकर हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो ग्राम फ्लोर आपकी स्वेटिंग को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ जब इसमें हम ऐड करेंगे ना मुल्तानी मिट्टी, यहाँ पे मेरे पास मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक था, तो यही मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग फ्रेश मुल्तानी मिट्टी ऐड करते हैं तो वेल बेटर, कोई सी भी मुल्तानी मिट्टी आप इसमें ऐड कर लें। मुल्तानी मिट्टी और जब बेसन दोनों मिल के आपकी स्वेटिंग को कंट्रोल करते हैं, आपके स्किन पर जितने भी ओपन पोर्स हैं उस ओपन पोर्स में से डर्ट को रिमूव करते हैं। देन इसमें ऐड करूँगी टोमेटो का रस, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब आपने एक टोमेटो लेना है। इस तरह फोक की हेल्प से आपने इसका जूस निकाल लेना है, क्योंकि ये आपकी स्किन को लालो लाल कर देगा, आपकी स्किन को ब्राइट कर देगा, आपकी स्किन की जितनी भी डार्क स्पॉट है, खासकर आपकी पिगमेंटेशन है, उसको रिमूव करेगा। अगर आप ये फेस पैक डेली रूटीन में अपनी ऐड करती हैं तो आपकी स्किन हो जानी है वाह, इतनी ज़बरदस्त हो जानी है, इतनी सॉफ्ट हो जानी है कि सब ने आपसे पूछना है कि आपकी इस ग्लोइंग स्किन का राज क्या है। तो यहाँ पे टोमेटो को अच्छे से निचोड़ लेना है, इसमें जितना भी इसका रस है आपने इसमें से निकाल लेना, बहुत कम ही रस निकला है, बट इज इनफ। अगर आप चाहें तो सेकेंड दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। देन इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। टोमेटो और एलोवेरा जेल आपके डार्क स्पॉट पर जो वर्क करेगा, इतना ही ज़बरदस्त वर्क करेगा कि आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगा, आपकी अगर एक्नी मार्क्स है ना उस पर भी बहुत अच्छा ये फेस पैक वर्क करेगा। देन इसमें स्किन के रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए, स्किन को टाइटन अप बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे हनी। हनी आपने कोई सा भी ले लेना है, यहाँ पे तकरीबन 1/2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून के करीब। अगर आप लोग की स्किन बहुत ज़्यादा लूज है या बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पर रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स का प्रॉब्लम है, तो आप इसमें 1 टेबल स्पून के तकरीबन आप 1 टेबल स्पून इसमें हनी ऐड करें। और ये फेस मास्क जो है ना, इतना कोई ज़बरदस्त है, आपके रिंकल्स पर वर्क करेगा, आपके डार्क स्पॉट पर वर्क करेगा, आपके एक्नी पर वर्क करेगा, आपकी पिगमेंटेशन पर वर्क करेगा, आपकी डबल टोन जिनकी स्किन हो जाती है ना, यहाँ से कहीं से डार्क कहीं से वाइट, यानी कि डबल टोन जिनकी स्किन होती है उस टोन को 1 टोन में लेकर आएगा, आपके टैन को रिमूव करेगा, क्योंकि समर्स में खास का जो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं अपनी वीडियो में बार बार टैनिंग की बात करती हूँ कि समर्स में बहुत सारी लड़कियाँ सन ब्लॉक नहीं यूज़ करती, तो उसको ये टैनिंग को रिमूव करेगा। देन इसमें लास्ट में हम ऐड करेंगे रॉ मिल्क वैसे भी आपकी वाइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को और ज़्यादा ब्राइट बनाएगा। सन इंग्रीडियंट ही इतने ज़्यादा पावरफुल हैं जो आपकी स्किन के सारी प्रॉब्लम को हल करेंगे। छोटे छोटे इंग्रीडियंट्स होते हैं जो आपके घर पर मौजूद, आपके किचन में मौजूद होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो उसको यूज़ कैसे करना है, आइए देखते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। पैक बनकर रेडी हो चुके हैं, इतना ज़्यादा ये ज़बरदस्त है ना, दिल करे इसको खा जाए, बट खाना नहीं है इसको अपने से, सिर्फ लाइक करना और इसके इतने ही जबरदस्त आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। तो एंड पहले हम ब्रश ले लेते हैं ना, तरह से आपने ब्रश ले लिया और ये आपकी स्किन की टैनिंग को खत्म करेगा, खासकर समर्स में, और जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है ना फेस पे, ब्लीव मी इससे आपकी स्वेटिंग भी खत्म होगी, जिन लोगों के फेस पे मुझे बहुत ज्यादा होती थी, और जब से मैं ये मास्क अप्लाई करना स्टार्ट किया ना, तो उसके बाद मुझे स्वेटिंग मेरे फेस पे बिल्कुल कम हो गया। जबरदस्त से मास्क, इतने की जबरदस्त रिजल्ट है ना। अच्छा जी, इसको अप्लाई करने से पहले आपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, जस्ट लिपस्टिक लगाई हुई है और लाइनर लगाया हुआ है, और मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया। आपको लग रहा होगा कि शायद मैंने मेकअप किया हुआ है, नथिंग, कुछ भी नहीं लगाया हुआ।
आपने इसको अप्लाई करना है, आपने एक और आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है, ठीक है, देन आपने इसको छोड़ देना है। इसकी स्मेल इतनी मजे की है ना कि आपके अंदर सीरीलेक ऐड है, जो कि आपकी स्किन को, और सीरीलेक आपने कौन सा लेना है, चावलों वाला, चावल वाला, राइस वाला हो जाए। अगर आप लोग सीरीलेक आप लोग के पास नहीं है तो आप इसकी जगह आप ओट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप ओट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका अल्टरनेट आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ब्राइट होगी। थोड़ा सा मैं कैमरे को पास कर लेती हूँ। स्किन की टैनिंग के साथ साथ ये आपकी स्किन पर अगर पिगमेंटेशन हो रही है उसको भी कम करेगा। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करने लग जाएं तो आपकी स्किन की टैनिंग को, ना सिर्फ आपकी, क्योंकि समर्स है, समर्स में आपको एक्ने का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी टीनेजर्स को एक्ने का प्रॉब्लम होता है, लड़के हो गए, लड़कियाँ, लड़की, लड़कों को भी आजकल पिंपल्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो टीनेज में वैसे भी आपकी हार्मोन्स वगैरह चेंज हो रहे होते हैं, तो इस वजह में आपको मस्ट होता है कि आपके फेस पे पिंपल्स आएँ। तो आप इस मास्क को होम मेड रेमेडीज ट्राई किया करें, विदाउट आप कोई जो महंगी महंगी एक्सपेंसिव क्रीम्स वगैरह यूज़ करती हैं या जो भी मेडिकेटेड जो भी क्रीम यूज़ करती है, उससे बजाय आपकी स्किन अच्छे होने के, इस एज में आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए जो आपको बाद में जाके प्रॉब्लम करे। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये आपके रिंकल्स को भी दूर करती है। आज जब हमें रिंकल्स आते हैं ना, 30 ईयर्स के बाद हमें रिंकल्स स्टार्ट होते हैं, तो वो हमारे आईज के पास आते हैं, ठीक है, आइस पे आते हैं, फिर आपको इस जगह पे फाइन लाइन आने लग जाती है। तो उसको अगर इस तरह की आप होम रेमेडीज यूज़ करने लग जाए तो आपको उन प्रॉब्लम्स का, आप यानी कि अपनी एज से जल्दी आजकल जो हमारी डाइट भी ऐसी होती है जिससे एज से बंदा जल्दी बूढ़ा होने लग जाता है, तो वो भी आपको इशू नहीं होगा। आपने एक और लगाया, उसके बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट आपने इसको छोड़ देना है, और देन आपने अगर इफ़ यू हैव नो टाइम, देन आपने ओनली जस्ट 5 मिनट आपने इसको अप्लाई कर रखे रहना अपने फेस पे, देन आपने हल्का से इसको मसाज करना है ताकि आपके जितनी भी ओपन पोर्स है ना, आपके जितने भी उसमें जितनी भी मैल वगैरह है वो सारी उतर निकल जाएगी, ठीक है। और आपने अच्छे से मसाज करना है, अगेन आपने यही कोट अगेन आपने अपने फेस पे करना है, और देन आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है, सिंपल टैप वाटर से आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। या मैंने जो आपको पिछली वीडियो पे फेस वॉश बनाना सिखाया था ना, वो इतना ज़बरदस्त है, उसको बनाने के बाद आपने पुराना जितना भी फेस वॉश है ना, जो भी आप केमिकल्स वाले फेस वॉश बाय करते हैं, वो सारे भूल जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर पिक्चर्स भी आपको नजर आ रही होगी, और उसके साथ मैं लिंक भी अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। और आपने इसको वॉश करना है, मैं भी वॉश करके आप लोगों के सामने आती हूँ, अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ। वैसे ये बहुत अमेजिंग है। आप सिंपल अगर पानी से वॉश नहीं कर सकते तो सिंपल माइक्रोफाइबर टॉवल से आप इसको ईजिली वॉश कर ले, आपकी स्किन को ऐसा ब्राइट कर देगा, आपकी स्किन से पिंपल्स हो, एक्ने हो, डार्क स्पॉट हो, डार्क सर्कल को भी ये खत्म कर देगा, फाइन लाइंस को, आपकी आपकी स्किन की जितनी प्रॉब्लम है ना, स्किन डल है, वो डलनेस को दूर कर देगा। अच्छा जी, कोई भी चीज़, एक और बात के मुझे कमेंट आते हैं कि आप अपनी स्किन को एकदम से वाइट कर दें, तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप कुछ भी लगाओ और आपकी स्किन फौरन वाइट हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो कलर हमारा नेचुरल होता है ना, वही बेस्ट होता है, ना ही काला कलर या गोरा कलर, इस दोनों के एक वो कॉम्बिनेशन है कि यार फेयर कलर ज़्यादा अच्छा होता है बनस्पेट आपका सांवला कलर जो होता है। हम पाकिस्तानी है तो हमारा ज़्यादातर जो कलर है ना, वो सांवला होता है, सांवला या मिनिमम वाइट के दरमियान। जो मेरा कलर है वो ना ज़्यादा फेयर में आता है ना ज़्यादा डार्क टोन में आता है, यानी कि नॉर्मल कलर, इवन 90% लोग ऐसा ही कलर होता है। तो आप लोग जो फार्मूला क्रीम्स के यार गुचटे होने की जो कोशिश करते हैं ना, उससे आपकी स्किन बजाय ठीक होने की, आपकी स्किन बिल्कुल तबाह हो जाती है। और जब आप 30, 35 या 40 के एज के करीब आते हो, उस दौरान आपकी फेस पर ऐसे रिंकल्स आते हैं ना, उस टाइम आपको पता चलता है कि आप 40 के बजाय 60-70 साल के लगने लग जाते हैं। तो बजाय इसकी आप वो फार्मूला क्रीम यूज़ करें, आप नॉर्मल, अच्छा जी, कलर होना डार्क या वाइट होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आपका कलर साफ हो, आपके फेस पे किसी किस्म की पिगमेंटेशन ना हो, आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो, चाहे वो सांवला हो, चाहे वो फेयर हो, चाहे वो डार्क हो, कोई भी आपकी स्किन टोन हो, आपका कलर साफ होना चाहिए आपके फेस पे, ना ही कोई पिंपल्स हो, तो वो मैटर करता है ना, कि बात बहुत लंबी चली गई है और मेरा मास्क भी ड्राई हो चुका है, तो यानी कि कोई कलर मैटर नहीं करता, आपका फेस साफ होना ज़्यादा मैटर करता है। तो अब मैं इसको वॉश करके आप लोगों के सामने आती हूँ, और चलिए मेरी आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी लंबी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो आइए इसको वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आप लोग मेरे रिजल्ट चेक करें इस फेस पैक के, फेस मास्क के, आपकी स्किन को इतना ज़्यादा ये फेयर कर देगा ना, फेयर, और आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, बेबी स्किन हो जाएगी। थोड़ी सी यहाँ पर लाइट ज़्यादा, मैं आपको कम लाइट करके अपना फेस चेक करवाती हूँ। कैन सी कि स्किन कितनी ज़्यादा आपकी यानी कि कमाल होगी, आप जब खुद इसको यूज़ करेंगे आपको खुद इसके रिजल्ट मिलेंगे, और आप मुझे खुद फीडबैक देने पे मजबूर हो जाएंगे जब आप इस फेस पैक को खुद अप्लाई करेंगे। बहुत ही माइल्ड सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये फेस पैक है, और इससे स्किन आपकी इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, इतनी नाजुक, जैसे बेबी स्किन नहीं होती, आप देखें इतनी सॉफ्ट आपकी स्किन हो जाएगी, और इतनी ज़्यादा मतलब आप अपने आप से प्यार हो जाएगा। तो होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।